मैं विश्वका के उपाध्यक्ष और पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री कांग्रेस के ऊंचाइयों से बात करते हैं कि सरकारी योजनाएं कहां तक हो पाती। देखिए, जहाँ तक बीसूत्री कार्यक्रम से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम और योजनाएं हैं उनकी राजस्थान में बहुत प्रभावी क्रियान्वयन होता है। राजस्थान राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में हमेशा ही अव्वल रहता है और अब की बार भी प्रगति बहुत अच्छी है। कल पाली की समीक्षा बैठक की थी तो यहाँ आ चुके हैं राहत केंद्र के नाम पर बिजली केंद्र 100 यूनिट की रियायत तो दी जा रही है, दूसरे पीछे की जेब से जो है सरचार्ज बना करके पैसे लिए जा रहे हैं, इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है सर? सरचार्ज के पैसे बढ़ाए गए सर अभी? नहीं, वो देखिए वो एक अलग इशू है। वो तो जो आप कह रहे हैं कि वो तो जो आप जो बात कर रहे हैं वो तो एक तकनीकी मुद्दा है कि तो उसमें है पहले से फ्यूल सरचार्ज है वो उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अन्य राज्यों के मुकाबले में पहले से ही राजस्थान में बिजली सस्ती है। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जितनी छूट इसमें बिजली में दी है शायद किसी अन्य योजना में नहीं। दो तो मैं कहना चाहूँगा कि रोल मॉडल बन सकती हैं पूरे देश के लिए, तो बिजली के क्षेत्र में और एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में। जो ये चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना है इससे लोगों को बहुत ही, मैं कहना चाहूँगा कि मदद हो रही है, लोगों का इलाज हो रहा है, मुफ्त में इलाज हो रहा है, गरीब आदमी में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आया है। और बिजली में सबसे ज़्यादा लाभ तो किसानों को हो रहा है, अब तो 2000 यूनिट बिजली फ्री। मैंने कल समीक्षा बैठक में जानकारी ली, हमारे जो इसके जो अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारी हैं उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ करीब 33,000 बिजली के कुएं हैं, 3,000 लोग तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं इसलिए उनको तो इस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी दिलाएंगे, बाकी 30,000 जो हैं वो एक तरह से मुफ्त बिजली मिलेगी उनको। और ये अभी 100 यूनिट बिजली होने से ग्रामीण क्षेत्र में 2 महीने से बिल आता है, 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएंगे, गांव के मोर देन 80% लोग हैं उनको पेमेंट ही नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है इस सेक्टर में सालाना, ये अपने आप में एक, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा जो लोगों को राहत है, बहुत बड़ी राहत। मेरे समय में तो कोई सब्सिडी नहीं मिलती थी क्योंकि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे। और इसके अलावा भी जो जन कल्याण की योजनाओं की हम बात करते हैं, विकास के कार्यों की बात करते हैं, कोविड के मैनेजमेंट की बात करते हैं, यदि इसको आधार मान के यदि चुनाव होता है तो मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। सरकार तो मान लेते हैं कांग्रेस की बनेगी, जो मनमुटाव चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के, उसका चुनाव पे क्या असर होगा क्योंकि आप पीसीसी अध्यक्ष भी रह चुके हैं? कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, ये छोटे मोटे मनमुटाव चलते रहते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता सोच समझ के फैसला करती है। चुनाव में कांग्रेस बार चुनाव में रहेंगे, लोग उनको देख करके वोट करेंगे। जहाँ तक ये गुटबाजी के आपसी जो आपने कहा कि भिन्न, जो वैसे तो कोई मनभेद तो है नहीं, मतों की भिन्नता रहती है डेमोक्रेसी में राजनीतिक दलों में, तो भारतीय जनता पार्टी में तो हमसे ज़्यादा है। अच्छा, मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी में ही होना है मुख्य रूप से, तो आप निश्चिंत रहिए ऐसा कुछ नहीं है। लोग अब की बार, लोगों का जो मन, जो मुझे, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, मैं सब जिलों में इसकी मल्टी पॉइंट प्रोग्राम की भी और फ्लैगशिप की भी जिम्मेदारी मेरे पास है और इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर इसके बारे में मैंने सब 33 जिलों का दौरा और अब की बार भी मैंने 8 जिलों का दौरा अब तक कर लिया है। मेरी कोशिश है 33 जिलों में जाऊंगा, अब जिले भी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो लोगों का जो, मैं कहना चाहिए कि अब की बार जो लोगों का जो मन है वो ये है कि भाई ये इस सरकार ने आम आदमी को बहुत राहत दी है और काम अच्छे किए हैं, कोविड का मैनेजमेंट अच्छा किया है, इसलिए इस सरकार को एक बार कांग्रेस पार्टी को फिर मौका देना चाहिए। चुनाव के अंदर मतलब भाषा बोली जाती है बार बार, इसको लेकर के मतभेद और होते रहते हैं हमेशा ही। आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर भी जो है, कर्नाटका के अंदर भी जो है, बजेंद्र पर बैन
की बात कही गई है। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक भाषा का सवाल है, भाषा तो मर्यादित और सीमित होनी चाहिए, और विशेष रूप से जो लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं उन्हें तो बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। ये आपका बहुत सही सवाल है। कोई पार्टी के लोग हों, कोई नेता हो, कोई कार्यकर्ता हो, कितना ही बड़ा हो, भाषा सीमित और मर्यादित होनी चाहिए। हमारी लड़ाई वैचारिक है। अच्छा, हमें किसी का विरोध करना है तो विरोध करने के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं। हम इस जो आप जो कह रहे हैं कि अपशब्दों का क्यों उपयोग करें किसी के लिए, नहीं करना चाहिए। आपका ये सवाल बहुत ही रिजनेबल है और इसके लिए एक आचार संहिता बननी चाहिए राजनीतिक दलों के लिए भी और सरकारों के लिए भी और नेताओं के लिए भी, कि वो अनर्गल भाषा का उपयोग नहीं करें और हमें किसी को बेइज्जत नहीं करना। हमारे अंदर क्या खासियत है, हमारी पार्टी की विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, उनमें क्या ताकत है, उसके आधार पर हमें जनता से समर्थन हासिल करना चाहिए। और ये बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी के नेताओं पर भी लोग आरोप लगते हैं, हो सकता है किसी से गलती हो जाए। अच्छा, मान लो कहीं गलती हो जाती है तो फिर हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ये भी एक तरीका है। अब ये तो बहुत ही गलत है कि हम गलती भी करें और वो माफ़ी भी नहीं माने। लेकिन ये आप जो भाषा की बात करते हैं, जो ओछी भाषा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ज़्यादा है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अब बजरंग दल की आप बात करें तो बजरंग दल की जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम्युनल है, सांप्रदायिक है, ये नहीं होना चाहिए। ये देश सबका है, हमें इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा देश संविधान से, कानून से चलता है। और हमने इस देश में जब देश आज़ाद हुआ तब धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया है, तो इस देश में सबको बराबरी का हक है, सबको रहने का है। हम कोई धर्म के आधार पर नहीं है, और जो धर्म के आधार पर जो देश बने हैं, जिसमें हमारे में से पाकिस्तान निकला, आज उसकी क्या हालत है आप भी देख सकते हो, टूट भी गया वो, तो ये तो गलत है। हमें तो सभी धर्मों का, सभी जाति का, वर्ग का, सभी लोगों का बराबर सम्मान करना चाहिए। नहीं, देखो यदि कोई ऐसी कोई बात है तो उन्हीं की मदद करने के लिए तो महंगाई राहत शिविर लगे हैं, इनमें जाके कोई भी अपना जनाधार दिखा सकता है और उससे अपनी सुविधा ले सकता है। कल मैंने मॉनिटरिंग में देखा कि यहाँ पाली जिले में 99% से भी ज़्यादा लोगों के जनाधार बन गए हैं, फिर भी यदि किसी का रह गया है तो वहीं पर बनवा देंगे जनाधार और उसको सुविधा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।